स्क्विड गेम्स के आइकन आप देख सकते हैं। ये वेलने का पूरा सेटअप लगाया हुआ, उन्होंने यहाँ से रो निकालते हैं और आगे तो ये मीडिया कवरेज भी हो रही है। लड़ाई हो गई है जी, कहता कि मैंने पीना, वो कहता मैंने पीना है। ऐसी कोई बात नहीं है, सभी हमारी बहन है। अस्सलाम वालेकुम, आज यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में कवर करने जा रहे हैं हम लोग गुड़ मेले को, और आज मेरे साथ कवरेज में हम करेंगे हसीब सा गाना, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इस व्लॉग को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम आपको लेकर जा रहे हैं जी गुड़ मेला की तरफ, और हमें ज्वाइन किया है अब किशान भाई, थोड़ा पीछे हो जाए, हमें ज्वाइन किया जी किशान भाई ने, जो मेले के लिए जो रश है बहुत ही ज़्यादा है, और आप देख सकते हैं जो रोड है हमारी, जो इस पर एक गाड़ी थी बड़ी मुश्किल से हुआ करती थी, हैं नाजिन, आप रश देख सकते हैं। वैसे तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है ना ये कल्चर को बहुत सपोर्ट करती है, कभी कल्चरल डांस हो रहा है, कभी ये डॉग मेला और हॉर्स फेस्टिवल। हाँ जी जी, वो जा रहे हैं ये रास्ते से, जिस रास्ते से हम लोग होके जा रहे हैं ना, ये रास्ता बड़ा अजीब सा है, आप देख सकते हैं। ये गुड़ की फैक्ट्री लगी हुई है, फैक्ट्री की भट्टी है। इधर आके इनको गाइड करें ना, हमारी ऑडियंस को गाइड करें कैसे बनता है गुड़। सर्दियों में आग सेकने का काम आता है, गर्मी में बंदा काला हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, ये स्वाद बन जाता है। यार तुझे एग्रीकल्चर पढ़ा, तुझे उसके टूल्स का नहीं पता। और ये जी वेलने का पूरा सेटअप लगाया हुआ, उन्होंने यहाँ से रो निकालते हैं, और आगे तो ये मीडिया कवरेज भी हो रही है, समा न्यूज़ के वो नुमाइंदे आए हुए हैं मीडिया के, यहाँ से रो निकालते हैं, और आगे स्टूडेंट्स इसको पी भी रहे हैं और इसको अच्छी तरह इंजॉय भी कर रहे हैं। और ये नाजरीन बर्तन बनाए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरह मशीन चलती है, और ये पूरे बर्तन बना रहे हैं, इसके गले पड़े हुए हैं, उसके बॉक्स पड़े हुए हैं, ये गीले हैं, इसको बाद में सुखाया जाएगा। This is cotton candy stall. एक कोड़ वाले चावल है जी, कोड़ वाले, और हालांकि है कुछ नहीं यहाँ पर। कल्चर की जो छाबियाँ और ये खड़े थे उस जमाने के खाए जा रहे हैं, और ये स्क्विड गेम की गेम रखी गई, हालांकि ये हमारा कल्चर तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों डाल दी गई है, इसको आइडिया नहीं है। स्क्विड गेम्स के आइकन आप देख सकते हैं, ये हमारा गुड़ मेला हो रहा है जी, हालांकि गुड़ के नामो निशान नहीं है यहाँ पर। इतने क्या है, क्या ये 30 के यार, ये खा के जा करो, बहुत टेस्टी है, मुझे दो ना, मैं दे रहा हूँ। ये पता नहीं क्या मीठा पकौड़े।
ताकि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उन्हें पता चल सके हमारे ट्रेडिशन कल्चर हमारा क्या है। आने वाली नस्लें या मौजूदा नस्लें? और मौजूदा वो पूछे नस्ल आ रही है, वो देख इतना इधर खड़ा है, पता नहीं किस चीज़ों को देख रहा है। कि पकड़ मैंने भी टेस्ट करना है, पकड़ मैंने भी टेस्ट करना है। तेरा टॉपी लेनी? हाँ हाँ, कवर कर भाई को, कवर कर भाई। भाई जो इशारा कर रहा है ना वो समझ जा। और यूनिवर्सिटी का ये हमारा पहला जो है ना इवेंट है, यानी कि हम लोग फर्स्ट में तो मैंने आपको पहले बताया कि कोविड आ गया था तो कोई फंक्शन नहीं हुआ था, और ये इस ईयर के अंदर ही हमारा भैया पहला ऑफिशियल यूनिवर्सिटी फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग टेक पार्ट कर रहे हैं। और आप बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। महसूस अच्छा होना चाहिए बस। ये गड्ढे हैं जी, इस एक तरफ एक बैल, एक तरफ दूसरा बैल लगा के इसके ऊपर वो किसान जो अपना वो सामान ढोते हैं जिसको पंजाबी में कहते हैं। इससे हम ये ट्रांसपोर्ट ये था जो अभी भी यूज़ हो रहा है, और हम इसके पीछे खड़े होते थे तो ये आगे से लारू हो जाता था और हमें घर से गालियाँ पड़ती थी इस वजह से। उसके पास जा, थोड़ा सा पास जाके बताना कि राजा जी ताने ये क्या चीज है, ये टायर है, क्या ये मुझे नहीं पता क्या क्या है। ये मेरे ख्याल से गुड़ वाली रोटी है, मकई की, तो मक्की की रोटी लगी हुई और शायद वो साग है, साग क्या चीज़ है। मक्की दाल पराठा करना ही, मक्की की रोटी करनी। आप देख सकते हैं जी ये हमारी यूनिवर्सिटी का विलेज कल्चर यहाँ पर दिखाया गया है, और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की गई है। इसके बड़ा साहब जो है उसने कैमरा पकड़ा हुआ है, शुक्र ही लग रहा है वैसे, कोई अच्छा लोग तो नहीं बन रहा मैं बता रहा हूँ आपको। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये जो बकौल तलहा है जो मतलब पसंद आएगी। असल में ना पता क्या है बात, सुबह से क्लासे ले रहे हैं, क्लासे ले लेकिन अब दिमाग को खराब हो गया। स्टूडेंट बताया था ना सुबह तो बड़ा मूड था कि ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन सुबह से लगातार क्लासेस हो रही है। चलो जो भी आप गुड़ मेला एंजॉय करेंगे। देखिए चले जी हम आपको अंदर जाकर दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर क्या चीज़ है। आपको आप मोबाइल से देख रहे हैं लेकिन अंदर से जब आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। नहीं आपको भाई मारो, मुझे मारो मारो। आपको ये जो चीज़ है ये आपको 50 साल पीछे ले जाए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी आपके जो ग्रैंडफादर्स हैं उनकी जो मतलब की रस्म व रिवाज है, उनके रहने का तरीका था, कल्चर था, वो आपको पता चले। गोड़ मिले आप मैं कोट दे पार्टिसिपेशन नहीं कर रही है। ये जी यहाँ पर रो मिल रहा है
गन्ने का जूस, ठीक है, और वो लेने के लिए लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। यार मैं भी नहीं नहीं यार मुंह ना मारते नहीं है। ये क्या है? जी पत बनना स्टार्ट हो गई है। ये भाई सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये नीचे चौका लगा रहे हैं। चौके का मतलब होता है कि इसके अंदर चूरा चूरा लगाना। उसके बाद वहाँ पत बनती है, इसको जलाते हैं जलाते हैं। इसके बाद जो सारी मैल होती है वो बाहर निकल आती है। उसके बाद इसका एक सॉलिड लिक्विड से ना कम्बिनेशन से बन जाता है। तो उसको ज़्यादा रखेंगे तो वो सॉलिड हो जाएगा। उसके थोड़ा सा ऐसे वो लिक्विड टाइप बन जाता है। उसको फिर वो निकालते हैं उसकी ना हाथ के बना लेते हैं। पेसनियाँ गुड़ कहते हैं, पेसनियाँ बना लेते हैं। जिसको हम पंजाबी में रो कहते हैं। और ट्रैक्टर की मशीन चलाई हुई है। ये निकाला जा रहा है, ये रो गन्ने फूटी जा रहे हैं। और ये लड़ाई हो गई है जी, कहता कि मैंने पीना, वो कहता मैंने पीना। और हर कोई पाने के चक्कर में एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गया। अद्धा घंटा सफर किया गिलास वास्ते। जो मूँह काला हो ना सीट इदा होनी है। बलोची कल्चर की नुमाइंदगी कर रहे हैं सर, ये चीज ये हमारा प्यार है। हम पंजाबी होते हुए बलोची कल्चर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लव करने का वक्त आ गया। पूछ करते हैं, पूछ करवाता मैं।